So for GST levy, for GST levy, बेटा देखो अब जीएसटी लगेगा तो नॉर्मल सी बात है, देखो आपका ट्रांजेक्शन या तो इंट्रा होगा, दैट इज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, और सेकंड क्या होगा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। क्या बेटा? इंट्रा और इंटर, everyone have to remember it, intrastate transaction or second one is what, interstate transaction. beta intra matlab kya, intra is what, within state, intra is what beta, within state, jise maharashtra state mein ho raha hai, supply maharashtra state mein ho raha hai to wo kya ho gaya, intrastate, maharashtra state mein hi aap khareed ke bech rahe ho jo bhi hai aapka, theek hai, maharashtra state mein hi supplier hai aur customer bhi maharashtra state mein hi hai, वही सप्लाई हो रहा है सेम स्टेट में, विद इन स्टेट, तो दैट इज व्हाट इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, क्या बोलते हैं बेटा उसको, इंट्रा स्टेट। और अगर बिटवीन टू स्टेट हुआ, बिटवीन टू स्टेट्स, तो उसको आप क्या बोलते हो बेटा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, दैट इज व्हाट नोन एज इंटर स्टेट, गॉट इट, क्लियर। अब बेटा विद इन स्टेट होगा तो याद रखना जीएसटी क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्या बेटा, अगर विद इन स्टेट है, स्टेट के अंदर ही सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो क्या लगेगा, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन में कौन सा टैक्स लगेगा अपना, जीएसटी में सीजीएसटी लगेगा एंड एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी मीन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, व्हाट इट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। विद इन स्टेट है तो क्या बेटा, विद इन स्टेट है तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, याद रहेगा पक्का, लॉक कर दू, क्या विद इन स्टेट है तो क्या रहेगा बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, करेक्ट। और याद रखो विद इन स्टेट में सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, हाँ यूनियन टेरिटरी है अगर, यूनियन टेरिटरी तो यूटी जीएसटी हो जाएगा बस, बाकी सेम सीजीएसटी तो लगेगा ही, एसजीएसटी भी लगेगा, बट अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी लग जाता है बस, एसजीएसटी के जगह पे यूटी जीएसटी आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो विद इन स्टेट हुआ, विद इन स्टेट मतलब क्या हो गया बेटा आपका, यस विद इन स्टेट अगर आया तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, यस। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटर स्टेट बिटवीन टू स्टेट ट्रांजेक्शन अगर बिटवीन टू स्टेट हो रहा है तो क्या लगेगा बेटा, तो आईजीएसटी लगेगा, बराबर है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं, कंबाइंड होके वो क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी, बराबर है। आईजीएसटी मतलब क्या, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी किधर लगता है, विद इन स्टेट, ठीक है, तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये इंट्रा के लिए, किसके लिए, ये इंट्रा, और इंटर हुआ, इंटर स्टेट हुआ तो समझ जाने का आईजीएसटी आएगा, करेक्ट। जैसे एक रेट लेवल, एक रेट ले लो आप, समझो 12% का रेट है, 12% का जीएसटी है, विद इन स्टेट आया तो क्या हो जाएगा, 12% का जीएसटी है, अगर वो विद इन स्टेट आया तो 6% सीजीएसटी हो जाएगा और 6% एसजीएसटी हो जाएगा, मतलब इंट्रा स्टेट में वो टैक्स हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ, करेक्ट है, हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है, बराबर है, याद रखो। और अगर इंटर स्टेट है, क्या है बेटा, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट मतलब बिटवीन बिटवीन टू स्टेट्स अगर ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे महाराष्ट्र का सप्लायर गुजरात में बेच रहा है, तो बिटवीन क्या हो गया बेटा, टू स्टेट्स आ गया, तो टू स्टेट्स में क्या लगेगा, आईजीएसटी, तो समझो 12% है तो इधर डायरेक्ट पूरा 12% ही आएगा, दैट्स इट, पूरा 12%, ठीक है, क्लियर, पूरा 12%, व्हाट इट एवरीवन, पक्का। और अगर इंट्रा होगा तो 12% का क्या हो जाएगा, हाफ हाफ, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, ठीक है। अगर 28% है तो क्या हो जाएगा, सीजीएसटी में 14%, एसजीएसटी में 14%, ओके। और अगर इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट बिटवीन टू स्टेट है,
क्या है बेटा, बिटवीन टू स्टेट, तो क्या लग जाएगा, आईजीएसटी, क्या लग जाएगा बेटा, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कितना परसेंट, 12%। जैसे अगर 28% है तो 28% डायरेक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी, जैसे 28% है तो आईजीएसटी हुआ तो डायरेक्ट 28%, और अगर इंट्रास्टेट है तो इंट्रास्टेट में क्या हो जाएगा, हाफ हाफ सीजीएसटी एसजीएसटी, तो 28 को हाफ ऑफ कर दो, कितना हो जाएगा, 14%, 14%, दैट्स इट, बराबर है, 14%, 14%, क्लियर, मालूम पड़ा। तो ये याद रखना, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है बेटा, मालूम पड़ा कि नहीं, वेरी बेसिक कंसेप्ट। तो अब उसके बेसिस पे समझो सिंपल क्वेश्चन, देखो अभी आपका इधर क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग और बताना मुझे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नाउ सी, मिस्टर एम ऑफ मुंबई सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ₹20,000। बेटा मिस्टर एम है ऑफ मुंबई, सप्लाई क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ₹20,000 का, कितने का, 20,000, टू हूम, मिस्टर पी ऑफ पुणे, किसको सप्लाई कर रहा है, टू मिस्टर पी ऑफ पुणे, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 9% ईच। अब जो एसजीएसटी और सीजीएसटी का रेट है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो कितना परसेंट है, जैसे इधर क्वेश्चन में दिया है 9% ईच, ठीक है, आईजीएसटी रेट इज 18%। अब जैसे कि रेट आपको बताया है मैंने, कॉमन रेट्स क्या क्या होता है, 5%, 12%, बराबर है, 18%, 28%, ये सब कॉमन रेट आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में, 5%, 12%, 18%, 28%। 5% अगर सीजीएसटी एसजीएसटी में जाएगा तो 2.5, 2.5, 12% सीजीएसटी और एसजीएसटी में जाएगा बायफर्केट होगा तो 6, 6, 18% बायफर्केट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी में 9, 9, और 28 का क्या हो जाएगा, 14, 14, got it? तो ये बेसिक है, क्या है, दिस इज व्हाट, बेसिक, क्लियर। तो ये याद रखने का सब लोग, हाँ, और ये भी याद रखना इंट्रास्टेट में क्या होगा, इंट्रास्टेट मींस विद इन स्टेट, तो उसमें सीजीएसटी और एससीएसटी आएगा, और इंटरस्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट, उसमें आईजीएसटी आ जाएगा। तो ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, समझा, सबके माइंड में क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। चलो तो अब बेटा देखो, अब ये मिस्टर एम जो है मुंबई का, वो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर 20,000 टू मिस्टर पी ऑफ पुणे, मुंबई पुणे। अब ये सप्लायर, देखो सप्लायर मुंबई में है और रिसिपिएंट है पुणे में, जो रिसिपिएंट है कस्टमर है वो पुणे का है, तो ये विद इन स्टेट हुआ कि इंटर स्टेट हुआ, कॉमन है भाई, महाराष्ट्र में ही है ना दोनों, तो विद इन स्टेट ही होगा ना बेटा। सो दिस इज व्हाट, विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन, और विद इन स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, इंट्रा, क्या बोलते हैं इसको बेटा, विद इन स्टेट मतलब इंट्रा स्टेट। यस, वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड सर्वेश, वेल डन बेटा। सो विद इन स्टेट हुआ मतलब क्या हुआ, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, व्हाट इज इट, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, याद रखना, ठीक है। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे क्या लगता है बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सिंपल फंडा, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 9% ईच, तो 9% ईच बोला है, मतलब सीजीएसटी को 9, एसजीएसटी को 9, क्योंकि इसका कॉमन रेट क्या है, 18%। अगर ये इंटर स्टेट होता है, इंटर स्टेट बिटवीन टू स्टेट होता तो 18% लगता, 18% आईजीएसटी, बट ये इंट्रा है, इंट्रा में क्या होगा, 9, 9। फाइंड द फॉलोइंग, क्या फाइंड आउट करना है अपने को, टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एम, मिस्टर एम कितना प्राइस चार्ज करेगा मिस्टर पी को, कितना प्राइस चार्ज करेगा, 20,000 तो उसका गुड्स का वैल्यू है, प्लस वो क्या वसूल करेगा मिस्टर पी से, मिस्टर पी से क्या वसूल करेगा बेटा, टैक्स, सीजीएसटी और एसजीएसटी, करेक्ट, जिसको हम लोग फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं, जैसा लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। रिवर्स चार्ज अलग है, रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन भरता है, रिसिपिएंट भरता है, मतलब टैक्स जमा कौन करेगा गवर्नमेंट को, रिसिपिएंट, वो रिवर्स चार्ज का फंड है, ठीक है। रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज में क्या होगा, ये जो रिसिपिएंट है ना वो सप्लायर को टैक्स का अमाउंट नहीं देगा, वो सिर्फ 20,000 ही देगा, रिवर्स चार्ज का केस होगा, तो रिसिपिएंट क्या करेगा, जो टैक्स का अमाउंट है खुद जाके गवर्नमेंट को भर देगा, खुद जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, तो ये फिलहाल रिवर्स चार्ज का केस नहीं है, दिस इज नॉट अ रिवर्स चार्ज।
ठीक है, ये अपना फॉरवर्ड चार्ज है, तो इसमें क्या होगा, सप्लायर क्या करेगा, 20,000 का अमाउंट लेगा प्लस बोलेगा जीएसटी दो, जीएसटी में सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, बराबर है। तो उतना मिस्टर पी को देना पड़ेगा, 20,000 प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, फिर वो सप्लायर के पास पूरा पैसा आ जाएगा, फिर सप्लायर उसमें से जो जीएसटी का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा, दैट्स इट। सो दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरा समझाया फॉरवर्ड चार्ज क्या है। रिवर्स चार्ज किसके लिए होता है पता है ना, रिवर्स चार्ज जैसे एडवोकेट की सर्विस हो गया, एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, ये लोग के लिए क्या है बेटा, रिवर्स चार्ज का सिस्टम होता है, तो एग्रीकल्चरिस्ट है। तो फिलहाल तो अपना ये फॉरवर्ड चार्ज है। तो अब बेटा एकदम सिंपल अगर आप सॉल्यूशन करोगे, आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करने के लिए सिंपल सा फंडा चाहिए, तो नॉर्मल सा फॉर्मेट बना देते हैं हम लोग, ठीक है। क्या करना है अपने को, टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एम, टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एम, एम कितना प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये नंबर बना दिया छोटा सा कॉलम, इधर रुपीस, क्या बेटा रुपीस, व्हाट इट, राइट है बेटा, नंबर पर्टिकुलर्स और क्या हो गया अपना रुपीस, ठीक है। चलो सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट, वेरी फर्स्ट इज व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई वैल्यू क्या है गुड्स एंड सर्विसेज का, देखो मिस्टर एम ऑफ मुंबई सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज बराबर है फॉर रुपीज 20,000, ठीक है। सप्लाई वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इधर दिया ना गुड्स स्लैश सर्विसेज, तो वही लिख देते हम लोग, सप्लाई वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ मच, कितना है बेटा 20,000, ठीक है। सप्लाई वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज व्हाट 20,000। अब उसमें ऐड क्या करना है आपने को, अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड भाई ये जो सप्लायर है वो सीजीएसटी लेगा पहला कितना परसेंट, एट द रेट ऑफ 9%, ठीक है। चलो तो वैल्यू कितना है 20,000, 20,000 का 9% निकाल लो कितना आ गया 1800 बराबर, तो 1800 का सीजीएसटी लेगा प्लस एसजीएसटी लेगा 9%, ठीक है। बराबर है, एसजीएसटी लेगा 9%, तो ये कितना हो गया, ये भी 1800, व्हाट इट, बोथ कवर्ड हियर, यस। मतलब अब जो सप्लायर है वो पूरा कितना लेगा, 20,000 तो लेगा ही प्लस 1800 प्लस 1800, टोटल मिला के कितना हो गया, चलो तो मतलब 23,600, ये क्या हो गया आपका टोटल प्राइस चार्ज, इधर लिख लेना टोटल, टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय मिस्टर एम, मिस्टर एम पूरा टोटल प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है। टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एम, ठीक है, किसको, मिस्टर पी को, क्लियर है। तो मतलब अगर मिस्टर एम ने सप्लाई किया है मिस्टर पी को और विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन है, 20,000 का वैल्यू है, अब वो 20,000 के वैल्यू पे वो क्या कलेक्ट करेगा, सीजीएसटी कलेक्ट करेगा 9%, तो 20,000 का 9% और प्लस एसजीएसटी कलेक्ट करेगा 9%, बराबर है 1800। मतलब अब वो क्या बोलेगा मिस्टर पी को, मिस्टर पी देखिए 20,000 का तो आपका गुड्स का प्राइस है, बट आप हमें कितना दोगे 23,600। तो मिस्टर पी बोलेगा अरे इतना ज्यादा क्यों भाई, अरे भाई इतना मेरे गुड्स का प्राइस 20,000 ही है, लेकिन जीएसटी देना पड़ेगा ना यार, आपको जीएसटी भरना पड़ेगा ना यार,
तो मिस्टर पी बोलेगा हाँ यार ये तो भरना तो पड़ेगा, मेरे को जीएसटी देना ही पड़ेगा 9%, 9% मतलब मेरे को 23,600 देना है आपको। तो मिस्टर पी को पता है कि वो जो जीएसटी दे रहा है वो मिस्टर एम क्या करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना ही है, खत्म। समझा, मालूम पड़ा, क्लियर? तो मिस्टर एम जो सप्लायर है उसका प्रॉफिट मार्जिन इसमें से ही रहेगा, 20 में से ही रहेगा, ये तो एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये तो गवर्नमेंट को जाएगा, बराबर है? तो बेचारा बियर कौन कर रहा है, फाइनली कस्टमर ही बियर कर रहा है ना, कस्टमर को ही देना पड़ा ना बेटा, जो अपना रिसिपिएंट है वही दे रहा है, समझा? इसलिए देखो कि आप कभी भी सामान खरीद रहे हो तो जब जीएसटी ऐड हुआ है मतलब वो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो गवर्नमेंट को जाएगा, वो गवर्नमेंट को जाएगा बेटा, समझा? और जीएसटी भरना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी भरना है। तो 23,600 मतलब अब मिस्टर पी कितना देगा मिस्टर एम को, 23,600 रुपीज, करेक्ट? मालूम पड़ा। चलो तो ये तो अपना केस हो गया ए, और बी क्या बोल रहा है, हु इज लायबल टू पे जीएसटी? अरे भाई बी में तो कुछ है ही नहीं, वो तो डायरेक्ट लिख लो, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, जीएसटी कौन लायबल है, कौन भरेगा गवर्नमेंट को, बोलो हु इज लायबल टू पे जीएसटी, बोलो आंसर, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, जीएसटी कौन भरेगा गवर्नमेंट को, टेल मी, मिस्टर एम भरेगा कि मिस्टर पी भरेगा? यस, परफेक्ट, वेरी गुड सर्वेश, वेल डन नीलेश, वेल डन सर्वेश, वेरी गुड नीलेश बेटा, यस मिस्टर एम, वेरी गुड ज्योति, वेरी गुड राहुल, यस मिस्टर एम भरेगा बेटा, मिस्टर एम, रिसिपिएंट ने दे दिया ना जीएसटी एम को, तो एम की लाइबिलिटी हो गई ना, एम को भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बराबर है? समझा, राइट? वो रिवर्स चार्ज का जो केस होता है ना, रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी किसके ऊपर होती है जीएसटी भरने की, कस्टमर के ऊपर, मतलब रिसिपिएंट के ऊपर, दिस इज नॉट अ रिवर्स चार्ज, ये कोई एडवोकेट की सर्विस या एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल थिंग्स नहीं है, एग्रीकल्चरल सप्लाई थोड़ी है, बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो याद रखना, तो यहाँ लाइबल कौन होगा, मिस्टर एम, तो दिखा दो, बी में अपने को पूछा है ना, तो दिखा देने का, मिस्टर एम इज लाइबल, मिस्टर एम इज लाइबल टू पे व्हाट, जीएसटी, बराबर है? मिस्टर एम इज लाइबल टू पे जीएसटी, अब वो जीएसटी में भी दिखा देना, क्या जीएसटी में, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ठीक है, टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, गॉट इट, क्लियर, डन इट, चलो फटाफट, चलो नाउ द नेक्स्ट सम, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ, सी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है इधर आपको, हाँ अब इधर क्या दिया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिस्टर सी, क्या मिस्टर सी ऑफ तमिलनाडु, क्या मिस्टर सी ऑफ तमिलनाडु सप्लाइड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ₹20,000, ठीक है, मिस्टर सी ऑफ तमिलनाडु क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर व्हाट बेटा, फॉर ₹20,000 टू मिस्टर एम। अब मिस्टर सी है और इधर मिस्टर एम है, मिस्टर सी है तमिलनाडु का, मिस्टर एम है महाराष्ट्र का, मिस्टर सी सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ₹20,000 टू मिस्टर एम ऑफ महाराष्ट्र, ये सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, राइट? मिस्टर एम कौन है, रिसिपिएंट, ठीक है, अच्छा ये रिसिपिएंट मतलब कस्टमर हो गया, ठीक है, तो रिसिपिएंट है, जरा बताओ बेटा ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है, टेल मी विच ट्रांजेक्शन इज दिस, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, बोलो बोलो, इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है, यस वेरी गुड नीलेश, शाबाश, दिस इज इंटरस्टेट, दो स्टेट के बीच में हो रहा है, यस वेल डन सचिन, वेल डन सर्वेश, वेल डन राहुल, इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट में क्या लगता है बेटा, इंटरस्टेट में क्या लगेगा, इंटरस्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा क्या, नहीं, इंटरस्टेट में आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर है? तो आ जाओ, यस परफेक्ट,
तो आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है बस इधर, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 9% ईच, आईजीएसटी रेट इज 18%। तो बेटा ये इंटर स्टेट है ना, इंटर स्टेट में क्या लगेगा आपको, आईजीएसटी लगेगा। फाइंड द फॉलोइंग, टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सी, टोटल प्राइस कितना चार्ज करेगा मिस्टर सी, एंड हु इज लायबल टू पे जीएसटी, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, कौन लायबल होगा टू पे जीएसटी, कौन लायबल। तो बेटा नॉर्मल सी बात है, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, अब ये कोई ये ट्रांजेक्शन कोई अपना रिवर्स चार्ज वाला तो है नहीं, तो लायबल टू पे जीएसटी कौन होगा, सवाल ही नहीं उठता, जो सप्लायर है, सप्लायर कौन है, मिस्टर सी। ठीक है, रिवर्स चार्ज होता है ना तो उसमें कौन लायबल होता है, रिसिपिएंट पे करता है, इट्स नॉट अ रिवर्स चार्ज। ये कोई एडवोकेट का सर्विस थोड़ी है, एग्रीकल्चर का सर्विस नहीं है बेटा, बराबर, एग्रीकल्चर सप्लाई नहीं है। चलो तो आ जाओ सेम वही फंडा सॉल्यूशन करते हैं, क्या सेम टोटल प्राइस चार्ज बाय, ऊपर एडिंग डाल देते हैं, क्या टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सी नंबर पर्टिकुलर्स और रुपीस, ठीक है, नंबर पर्टिकुलर एंड रुपीस, ठीक है। तो चलो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट, ठीक है, वेरी फर्स्ट में क्या, सप्लाई ऑफ, जो सप्लाई वैल्यू है, सप्लाई वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। चलो कितना है सप्लाई वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस, अमाउंट कितना है 20,000, ठीक है, सप्लाई वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस कितना है बेटा 20,000 है। अब उसमें क्या करोगे आप, प्लस क्या करोगे, इधर क्या प्लस करोगे आप, सिंपल आईजीएसटी करोगे ना बेटा, आईजीएसटी, अरे आईजीएसटी कितना परसेंट है आईजीएसटी का रेट, 18%, आईजीएसटी कितना रेट है बेटा, 18% का रेट है, ठीक है, बराबर है बेटा। अब इधर तो ये इंट्रा नहीं है, ये इंटर है, इंटर स्टेट है ना बेटा, तो 18% हो गया, तो चलो 18% निकाल लो, सो 20,000 का 18% कितना हो गया 3,800, बराबर है, मालूम पड़ा, सो 18 to 36, 3,600 हो गया, आ जाओ तो आपका इधर आ गया टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय मिस्टर सी, चलो कितना हो गया टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सी 23,600, ठीक है, बराबर, ये हो गया टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर सी, बराबर। चलो और फाइनली, फाइनली व्हाट, ठीक है, हु इज लायबल, सेकंड वाला केस, ये फर्स्ट वाला केस हो गया, फिर यहां सेकंड वाला केस, अब हु इज लायबल, कौन है लायबल, तो मिस्टर सी इज, देखो इधर क्या बोल रहा है, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, मिस्टर सी इज लायबल, मिस्टर सी इज लायबल टू पे जीएसटी, बस फॉरवर्ड चार्ज है ना, फॉरवर्ड चार्ज में कौन पे करता है, सप्लायर, खत्म, फिनिश,